छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दीपावली की सांस्कृतिक परंपरा के अनुरूप आज धनतेरस पर अपने निवास पर धान की झालर बांधने की रस्म पूरी की। आपको बता दें कि दीपावली के दौरान खेतों में जब नई फसल पककर तैयार हो जाती है तब ग्रामीण धान की नर्म बालियों से कलात्मक झालर तैयार करते हैं। इनसे घरों की सजावट करवे अपनी सुख और समृद्धि के लिए माँ लक्ष्मी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उन्हें पूजन के लिए आमंत्रित करते हैं। ऐसा लोक विश्वास है कि उनका यह आमंत्रण उन चिड़ियों के माध्यम से देवी तक पहुंचता है जो धान के दाने चुगने आंगन और द्वार पर उतरती हैं। इस तरह प्रदेश की लोक सांस्कृतिक पर अपनी खुशियों को प्रकृति के साथ बांटती हैं और उसे सहजती हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में बस्तर से लेकर सरगुजा तक धान की झालर घर के आंगन और द्वार पर लटकाए जाने की परंपरा है, जिसे पहटा एवं पिंजरा भी कहा जाता है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अखिलेश तिवारी जुड़ गए हैं रायपुर से। अखिलेश, भूपेश बघेल ने धान की बालियों की झालर बनाकर घर में लगाई है। इसे माना जाता है कि धान की बालियां लगाने से माँ लक्ष्मी को पूजा के लिए निमंत्रण मिलता है और वो आती हैं। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, निश्चित तौर पे आज जिस तरीके से दीपावली की संस्कृति परंपरा के अनुरूप आज धनतेरस पर अपने निवास पर धान की जो झालर की रस्म की मुख्यमंत्री की है, निश्चित तौर पे इससे ये माना जाता है कि माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। किसान जो चिड़िया होते हैं उस दाना को चुग करके अपनी भोजन प्राप्त करते हैं, इससे लक्ष्मी का आगमन होता है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने कई ऐसे जो छत्तीसगढ़ परंपरा को लेकर के प्राथमिकताएं रही है, चाहे धान की बाली लगाने की बात हो, चाहे झाड़ू को लटका करके उसकी पूजा करने की वाली बात हो, चाहे गोबर से लिपा हुआ, खासतौर से गोबर से लिपाई पूरे घर आंगन स्त्री को लिप करके माँ लक्ष्मी के आगमन का संकेत होता है। इसको पूर्ण रूप से छत्तीसगढ़िया परंपरा के अनुसार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मनाने जा रहा है और निश्चित तौर प्रदेशवासियों को लेकर के भी एक सचेत जारी किया है कि अपनी संस्कृति के अनुरूप ही इस तरीके से जो अपनी कला है और खासतौर से संस्कृति और धनतेरस की जो पर्व है, खासतौर से दिवाली को लेकर के मनाने की जो प्रक्रिया है उसको पूर्ण करने की निवेदन भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया और साथ ही साथ माँ लक्ष्मी से पूरे छत्तीसगढ़ के प्रदेशवासियों के लिए शुभकामना आशीर्वाद मांगे हैं ताकि यहाँ की संस्कृति और यहाँ के विकास के उत्थान हो सके। जी तिवारी जी, धन्यवाद। अखिलेश तिवारी जानकारी देने के लिए।